नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है पलवल के हुड्डा सेक्टर के अंबेडकर पार्क में, जहां बसपा प्रत्याशी किशन ठाकुर अपने लाभ लक्षण के साथ हदीन जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और 25 मई को मतदान भी होना है। तो उस सिलसिले में जनसंपर्क अभियान लगातार तेज किया हुआ है। सबसे पहले जो टिकट की बात की जाए, बीएसपी ने ही घोषणा की थी एक तरह से मीटिंग करके, बाकायदा उसमें ये कहा भी गया था कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से किशन ठाकुर उम्मीदवार होंगे। किशन ठाकुर जी, ये बताइए, चुनाव की घोषणा हो गई है, 25 मई को मतदान भी है और आपका तो राउंड कई पूरे भी हो चुके हैं, आप लगातार सक्रिय हैं, क्या कहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो किन किन मुद्दों पर रहेगा और आपकी बीएसपी कौन से मुद्दों को उठाएगी? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुरस्कार हैं और मैं नमन करता हूँ हाथ जोड़कर, जिन्होंने संविधान बनाया है। आप हालत पहले इस पार्क की देखो, कैमरा घुमाओ, देखो दीवार टूटी पड़ी है, पत्थर टूटा पड़ा है, मतलब ये बीजेपी सरकार जो है बिल्कुल काम करके राजी नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो लगाते हैं अपने फोटुओं में मोदी जी के सहारे, और देखो ना आप देखो क्या हालत कर रखी है। यहाँ तो विधायक भी बीजेपी का ही है, सांसद भी, मंत्री भी है कृष्ण पाल जी। आप हालत देखो, दीवार टूटी पड़ी देखो, सारी हालत देखो, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, पत्थर टूटा पड़ा है। तो ये काम कैसे करेंगे? मुझे को तो लगता नहीं है कैसे काम कर रहे हैं। तो आज अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का, पुष्प चढ़ाने का अर्थ क्या था आज? अर्थ ऐसा है, हम यहाँ कर जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है और उसको लागू कराया है और लोगों को लाभ मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान को, दूसरे देशों को भी। मैं तो दूसरे देशों में भी, मैंने देखे हैं बाबा के फोटो स्टैचू, तो दूसरे देशों में भी मानते हैं बाबा साहब को। तो मेरा सबसे पहले कहना ये है कि जो आदमी इतनी झूठ बोल रहे हैं, आप मौके पे देखो कि क्या काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने विकास किया है। 9 विधानसभाएं हैं हमारी फरीदाबाद लोकसभा में, बेरोजगारी कितनी है, किसान परेशान है, अधन्ने इन पर बैठा है, 700 किसान मरे, 700 किसान सादत दिए, 700 किसानों ने, तो बताओ आप क्या काम करा इन्होंने 10 साल में, करा क्या, मुझे ये बताओ आप। आप भी एक तरह से अधिकृत कैंडिडेट हैं और किशन पाल गुर्जर यानी कि बीजेपी ने भी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में टिकट घोषणा कर दी है। फरीदाबाद की बात करें, किशन पाल गुर्जर को लगातार तीसरी बार टिकट मिला है। आपके मुकाबले उनका प्रचार काफ़ी तेज भी है, उनके जगह जगह ऑफिस भी खुल रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में उनके तकरीबन ऑफिस से खुल गए हैं और लगातार लोगों के बीच में जा भी रहे हैं और अपनी उपलब्धियाँ भी बता रहे हैं। मोदी सरकार ने क्या किया? ऐसा है भूटानी साहब, जो भी ऑफिस से खुल रहे हैं, अगर पिरथला में खुल रहे हैं, 5 कैंडिडेट हैं इन पे, 5 कैंडिडेटों ने ऑफिस खोले हैं, इनकी पार्टी ने कोई नहीं खोला अभी, जिलाध्यक्ष ने, 5 कैंडिडेटों ने। पलवल में आ जाओ, 5 कैंडिडेट हैं, होडल चले जाओ, हथीन चले जाओ, 5 कैंडिडेट हैं, तिगाम में आ जाओ, 5 कैंडिडेट हैं, ओल्ड में आ जाओ, 5 कैंडिडेट हैं, बड़कल में आ जाओ, 5 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट, आप मुझे एक बार बताओ, टिकट एक को मिलनी है, 4 कैंडिडेटों के अगर पैसे 50-50 लाख रुपए लग जाएंगे तो फिर उनसे पैसे किससे दिलवाएंगे? ये मंत्री जी, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भाई हमारे लुट रहे हैं पिरथला में, 5 ऑफिस खुल चुके हैं, 5, और वो 5 कैंडिडेटों ने खोले, और पलवल में भी 5 खुलेंगे, हथीन में भी 5 खुल रहे हैं, NIT में भी 5 खुल गए, बड़कल में भी 5 खुल गए हैं ऑफिस, और कुछ खोलने हैं, 5-5 कैंडिडेट हैं इनके पास, 5-5 कैंडिडेट। बताओ, आपकी बात को हम बड़ा भी करेंगे, अगर ये 5-5 कैंडिडेट जो आप बता रहे हो कि ऑफिस खोलनी है, खर्चा कर रहे हैं जैसे कि आप कह रहे हो 50-50 लाख रुपए, तो अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो क्या करेंगे फिर? 50-50 लाख रुपए खर्च किए हैं तो वो किस प्रकार से भरपाई करेंगे? या तो अपने घर बैठ जाएंगे बेचारे, या जो कैंडिडेट को टिकट मिलेगी उससे कहेंगे इनके पैसे दो, उसको करना पड़ेगा, अन्य कैंडिडेट भी जान को आएंगे। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 9 विधानसभाएं हैं, इन पे 9 विधानसभा में 5-5 कैंडिडेट हैं, वो ऑफिस खोल लें भाई, पार्टी खोले ना, जिला 10 खोले, मैं तो मानूँ जिला 10 खोल रहा है, विधायक खोले ऑफिस तो मैं मान लूँगा, ऐसे तो हम ऑफिस खोल लें। हमारा जो वर्कर है बहुजन समाज पार्टी का, बिगर खर्चा रोटी भी अपने घर से खाता है, इनकी तरह नहीं है पैसे दे के आदमी इकट्ठे करते हैं, ये जो मीटिंग करते हैं, ये हमने आज तक किसी को एक रुपया नहीं दिया, मेरे 5 महीना हो गए पार्टी ज्वाइन करे हुए, बगैर पैसे बेचारे रोटी भी नहीं खाते, बताओ।
हमारे साथ मौजूद है बसपा के जो काफ़ी पुराने अनुभवी नेता हैं प्रदेश के, मनोज चौधरी, उनसे भी बात करते हैं। मनोज जी, किशन ठाकुर पर आपने दाव खेला है, जी जी, कितना सफल रहेगा? देखो, हर पार्टी कोई ना कोई दाव खेलती है, और ये दाव नहीं, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर माननीय बहन जी ने किशन ठाकुर जी पर विश्वास किया है, और इस क्षेत्र में सभी समाज के नेताओं को यहाँ मौका मिला लोकसभा में जाने का, और ये आज ठाकुर समाज के लोगों के लिए आज सौभाग्य है कि एक ठाकुर समाज के किसान के बेटे को माननीय बहन जी ने टिकट दिया है। तो और सर्व समाज की बात करते हैं, और पूरे 40 साल का इनका करियर रहा है जो समाज में गरीबों की मदद करने में लगाई है इन्होंने, तो ये पहचान के किसी भी मोहताज नहीं है। तो आज ये सर्व समाज के 36 बिरादरी के कैंडिडेट हैं, और इनको भरपूर प्यार मिल रहा है, किसी भी गांव में जा रहे हैं, किसी भी कॉलोनी में जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इनको लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएँ दे रहे हैं। और फरीदाबाद में जनता जनार्दन कह रही है कि हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को भी यहाँ बना के देख लिया, और भाजपा के उम्मीदवार को भी दो बार बना के देख लिया है, उनकी छवि सिर्फ लीडर वाली नहीं है, डीलर वाली है। उन्होंने तो 10 साल जो है अपने पैसे कमाने का काम किया है, चाहे पहले कांग्रेस के सांसद रहे या आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के। ये किसान का बेटा है, ठाकुर का बेटा है, और इसने जमीनी स्तर पर काम किया है, गाँव में काम किया है, लोगों की मदद की है, और जिसके ऊपर जुल्म जाती हुई है उनको न्याय दिलाने का काम किया है। तो अब की बार हम ऐसे बहरूपियों से बचने का काम करेंगे जो लीडर नहीं है, जो डीलर का काम करते हैं, और अब की बार इस किसान के बेटे को, इस मजदूर के बेटे को बनाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल जिला में आज हम खड़े हैं, पलवल जिला और पूरे फरीदाबाद दो हमारे ज़िले लगते हैं इस लोकसभा में, दोनों ज़िले के वोटर सपोर्टर से निवेदन करेंगे कि आपने 77 साल दूसरी दूसरी पार्टी और दूसरे दलों को देखा है, ये किसान का बेटा है, ये आपके लिए स्तंभ की तरह आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा, इसको आप भारी मतों से लोकसभा फरीदाबाद से विजयी बनाने का काम करें, ये आपकी छतरी बनकर, आपकी ढाल बनकर आपका काम करेगा, आपकी सेवा करने का काम करेगा, क्योंकि इसने माननीय किशन ठाकुर जी निस्वार्थ 40 साल अपना पूरा जीवन का जो जवानी का जो करियर है वो समाज के लिए समर्पित किया है। तो इस भाई को, इस बेटे को, इस किसान के बेटे को यहाँ माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, ठाकुर समाज का सम्मान करने का काम किया है। तो ठाकुर समाज से भी अपील है कि आपने सर्व समाज के लोगों को यहाँ बनाने का काम किया है, एक बार आपका बेटा मैदान में है, इनको भारी मतों से सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर गांव में, पड़ोस में, गली में सभी समाज के लोग बाहर निकलकर भाई किशन ठाकुर जी के लिए वोट मांगे, और 25 मई को अपना हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इनको विजयी बनाने का काम करें। ठाकुर साहब, अभी मनोज चौधरी जी ने कहा कि बसपा ने ठाकुर समाज का सम्मान किया, राजपूत समुदाय का सम्मान किया है, बीजेपी सरकार ने भी, नायब सिंह सैनी की सरकार ने भी कंवर संजय सिंह को राज्य मंत्री बनाया, खेल मंत्री, 28 साल बाद सूखा खत्म हुआ मंत्री पद से ठाकुर समाज का। 28 साल पहले हबीबपा भाजपा की जब सरकार थी तो सूरजपाल सिंह को रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया था, अब बंसीलाल के समय में, और अब बनाया गया उनको, संजय सिंह को, उनके बेटे को, यानी कि ठाकुर समाज को ही पद मिला है, तो लेकिन बाप बेटे को मिला है और 28 साल बाद ये पद मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, जो हमारे सूरजपाल सिंह थे वो बीजेपी के थे, इन्होंने अनदेखी की है राजपूतों की। आज हरियाणा में 10 लोकसभा हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 10 में से क्या हमारी एक भी नहीं बनती? भिवानी दे दो, फरीदाबाद दे दो, महेंद्र कर दे, हमें कहीं दे दो, 10 में तो एक नहीं बनती। अब 50 पीछे इन्होंने कैंडिडेट लड़ाई पार्षद के, एक भी टिकट राजपूत को नहीं दी। ये तो मैंने आवाज़ उठाई है जब संजय को बनाया है, जैसे ही बहन जी ने मेरे पे विश्वास दिलाया है, मेरे को दिलवाया है, और हमारे सोलंकी को दिया टिकट यहाँ नवेड़ा से, ग्रेटर नवेड़ा से, गौतम तीन राजपूतों को टिकट दे दिए बहन जी ने अब तक। तो बहन जी ने हमारा सम्मान किया है, बहन जी का भी हम सम्मान करते हैं, और बहन जी ने हम पे विश्वास जो दिलाया है, हम जीत के बहन जी की झोली में डाल देंगे इस टिकट को। अच्छा, संजय सिंह को मंत्री आपकी वजह से बनाया गया, जैसे आप कह रहे हो कि हमने आवाज़ उठाई ठाकुर समाज की। मैंने कई बार आपके चैनलों में, मैं आपको दिखा दूंगा कि हमारे दो विधायक हैं हरियाणा में, एक नैलपाल रावत, मैंने 10 दिन पहले बोला था मंत्री बनने से पहले कि भाई क्या हमारे दो भाई दिखाई नहीं दे रहे, नैनपाल रावत को बनाओ या संजय को बनाओ। मैंने बोला जब इन्होंने बैलेंस करने के लिए, जब बहन जी ने घोषणा कर दी है, तब इन्होंने लालीपाप दिया 5 महीने के लिए। अब 5 साल पहले बनाना चाहिए था संजय को, 4.5 साल पहले बनाना चाहिए ठाकुर बनाना। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर राजपूत बनाना है, पिछली बार
45-50 टिकट थी हमारे फरीदाबाद में नगर में, एक राजपूत को नहीं दी इन्होंने, एक राजपूत को। तो राजपूत को चाहते नहीं है, हमारी 2.5 लाख के करीब वोटें हैं। तो आपके जो वोट है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई साहब, 2.5 लाख वोटों में तो 2 लाख वोट बहन जी को तैयार खड़ी हैं। हर गांव में रिस्पांस मिल रहा है, 200 के करीब तो गांव मैंने कर लिए हैं अब तक। जिला अध्यक्ष नंदराम जी दावा कर रहे हैं कि झोली में डाल देंगे सीट, दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी मजबूती है? देखो भूटाना जी, इसमें तो कोई आप शक ना समझें, दावा हमारा बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इस बार आम जनता ने और सब समाज के लोगों ने मन बना लिया है। किशन ठाकुर जी जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रभारी की नियुक्ति हुए हैं, और आप लोगों का प्यार रहा तो ये आपके टिकटार्थी के रूप में हमारे सांसद के रूप में आएंगे, और सर्व समाज के लोग इनकी तो पहले से ही समाज में सर्व समाज में पहले से ही पहचान है। आम जनता चाहती है कि किशन ठाकुर जी जैसे एक युवा नेता को और भाई संसद में भेजा जाए, और वो भी उस पार्टी से कि जिसकी अनदेखी करती हैं दूसरी पार्टियाँ। तो यहाँ जो सौतेला व्यवहार करते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहन मायावती जी तो हमेशा सर्व समाज के नारा देकर के सर्व समाज को साथ लगाती है, और इस बार जो किशन ठाकुर जी को ये भरोसा दिया है कि जाओ इस बार आपको पूरा हमारी तरफ से आशीर्वाद है, तो हमारे किशन ठाकुर जी ने भी ये कह दिया है कि इस बार हम अपने ये यहाँ की लोकसभा फरीदाबाद की सीट निकाल करके बहन जी की झोली में डालेंगे। और कांग्रेस ने अभी तक घोषणा नहीं की है, कल पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जिस दिन कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होगी उस दिन जलजला आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, और ये सब धराशायी होते नजर आएंगे आपको। ऐसा है भूटानी जी, करण सिंह दलाल मंत्री भी रहे हैं वो, और आप कह रहे हो महेंद्र प्रताप भी मंत्री रहा है, 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, इन्हें मेरे सामने बैठा लो ना। करण सिंह दलाल ने करा क्या पलवल में? करण सिंह दलाल ने पलवल में क्या किया? लोकसभा में क्या करेगा जब पलवल में मंत्री रहकर विधायक रहकर काम नहीं करे? ये तो वक्त बताएगा। आप जो है अभी रुक जाओ सिर्फ 10 दिन, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लोगों की फसल उठ जाने दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको चुनाव लड़के। वैसे तो मैं इनके टक्कर का आदमी हूँ भाई, पैसे में तो ये ज़्यादा दोनों, किशन पाल जी हो चाहे करण दलाल जी हो चाहे महेंद्र प्रताप जी हो, बाकी जनता में मैं इनसे कम नहीं हूँ किसी तरह भी। जनवत हमारे साथ है, जनता हमारे जनवत हमारे साथ है, दोनों जिलों का आम जनता देख रही है कि कब ये हमारा चुनाव आए 25 तारीख, और कब हम एकदम हाथी का बटन। आप लगातार दौरे करते रहते पूरे प्रदेश के, तो फरीदाबाद में आपने क्या पाया कि बसपा का किस प्रकार से माहौल है? देखो आज बसपा को सर्व समाज के लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि माननीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को हिस्सेदारी देने का काम किया है। पहले लोग समझते थे कि बहुजन समाज पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी है, और धीरे धीरे लोग बहुजन समाज पार्टी को समझने लगे, सर्व समाज के लोगों को पहचान और समझ में आने लगी, और आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बड़े दिल खोल के साथ आज वोट देने का काम कर रहे हैं। आज किशन ठाकुर जी किसी भी गांव में जाते हैं, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, जाटव से लेकर आज ठाकुर तक के बेटे हैं जो उनके जो बुजुर्ग हैं, इनको फूलमालाओं से सम्मान कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आपको हम यहाँ से विजयी बनाने का काम करेंगे। आप कुश्ती प्लेयर रहे हैं, कबड्डी प्लेयर भी रहे हैं, तो किस प्रकार से दाव खेलेंगे राजनीतिक अखाड़े में? देखो बात यह है, दाव जो है ऊपर तो भगवान है और नीचे ये जनता है, जनता ने ये दोनों अजमा रखे हैं, दोनों कैंडिडेट या तीनों ये जनता में ऑलरेडी रह लिए हैं, मंत्री भी और MLA भी, जनता ने ये आजमा रखे हैं। मैं तो नया चेहरा हूँ और जनता के बीच में 40 साल से रहता हूँ, इनसे पहले थे ये। तो आज क्या है कि आज जा रहे हैं करण सिंह दलाल तो फरीदाबाद, मैं तो पलवल मेरा घर है, दोनों लोकसभा मेरे परिवार है, मैं तो 40 साल से जा रहा हूँ, मैं ये नहीं देखता कौन सी विधानसभा है, 9 की 9 विधानसभा में। भूटानी साहब आप भी मेरे को 40 साल से जानते हो, मैं तो आपके मोहल्ले में आपके घर भी गया हुए हूँ 30 साल पहले। आप बताओ मुझे आज की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर रैली है दिल्ली में, क्या कहेंगे, कितनी सफल रहेगी? भाई ये तो देखो जनता तय करेगी वहाँ जाके, हम तो गए नहीं है, तो ये जनता बताएगी कि पर जो भी होया गलत होया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो डिक्टेटरशिप हो रही है, 2 आदमी देश को चला रहे हैं सिर्फ, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, 2 आदमी देश को चला रहे हैं, यहाँ किशन पाल जी चला रहे हैं दोनों जिलों में, जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगी, जिसको चाहेंगे उसको ना मिलेगी। हमारी जो लड़ाई रहेगी ना, हमारी कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से है लड़ाई मेरी। आप अक्सर किशन पाल गुर्जर के ऊपर आरोप लगाते, कभी कहते भू माफिया, कभी कहते हॉस्टल कब्जा कर रखे हैं। मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है, मेरा क्या मतलब, आप जनता में जाते हो आप, जनता बताएगी आपको भाई, मेरे से तो मैं तो देख रहा हूँ, जो आदमी एक विधानसभा में
5-5 कैंडिडेट उतार रहा है, बताओ एक टिकट तो एक को मिलेगी, इसमें क्या सोचा जाए बताओ। ये तो जनता तो तय करेगी, ये बेचारे कैंडिडेट तय करेंगे, इन्हें देखना क्या करेंगे, ये वक्त बताएगा। आप 25 तारीख को मतदान है तो काफ़ी टाइम भी पड़ा अभी, तो इस दौरान आप कहाँ कहाँ संपर्क करेंगे? मैंने 150 के करीब गांव कर लिए हैं और मैं कॉलोनियों में जा रहा हूँ। आज हथीन का हमारा दौरा है और अभी फसल का टाइम है, हथीन की तरफ फसल जो है शुरू हो गई है। अपनी कॉलोनी है जो फरीदाबाद लोकसभा में 200-300 के करीब कॉलोनी है, इन कॉलोनियों में हम जाकर लोगों को समझा रहे हैं और ऑलरेडी लोग समझे हुए हैं। वो ये करें ठाकुर साहब, इंतज़ार करो बस 25 तारीख का, जहाँ हाथी का निशान है बटन दबाए चला जाएगा। 36 बिरादरी, देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 36 बिरादरी मेरे साथ है और ऊपर वाला बंसी वाला भी साथ है। जब बंसी वाला साथ है तो 36 बिरादरी भी साथ है। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, इनको चोटी से लेकर एड़ी तक पसीना आ जाएंगे। ये तो कॉन्फ्रेंस, देखो मैं बताऊँ, इन पर तो साधन है, हमारे आदमियों पर साधन नहीं है, मगर हमारे जो सेना है ना, सेना खड़ी रहती है फौज बॉर्डरों पे, ऐसी हमारी सेना है, हम पे बहन जी पे, बहन जी की सेना वो काम करती है जो हमारे फौजी सरहद पर कर रहे हैं। आप मुझे एक बार बताओ, 4 साल में तो फौजी तैयार होता है, क्या करा है बीजेपी ने? अगर हमें भगवान ने मौका दिया, जनता ने, तो हम इसको बहाल कराएंगे और जो लाखों लोगों की पेंशन कटी है इसको भी बहाल कराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अगर इसको ड्रॉबैक करना पड़ेगा तो वो भी हम कर सकते हैं। नहीं, करना चाहिए उन्हें, मैं कह रहा हूँ गलत डिसीजन है ये, जो 4 साल का, 4 साल में तो आप तैयार होता जवान। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो फौजी जो हमारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, उसकी वजह से हम चैन के नहीं सोते, किसान हमारा पेट भरता है, दोनों परेशान हैं इनकी सरकार में दोनों। बीते दिनों गतपुरी में रैली हुई थी तो CM रहे मनोहर लाल ने उस समय घोषणा की थी कि पलवल तक मेट्रो को लाया जाएगा, कहाँ तक लग रहा है कि आपको ये मेट्रो ला पाएंगे? देखो मुझे तो इनकी लगता नहीं है, इन्होंने मेट्रो भी पहले आई हुई है, जितने फ्लाई ओवर हैं सब पहले हैं। मझाबली के पुल को स्वर्गीय राजेश पायलट जी बहुत अच्छे नेता थे, वो उद्घाटन कर गए थे, आज तक वो बना नहीं है मझाबली का पुल। राजेश पायलट केंद्र में सबसे अच्छे नेता थे वो, उसका अभी तक कुछ नहीं पड़ा। आधा कभी काम इधर से रोक देते हैं, कभी इधर से रोक देते हैं, बताओ कैसे हाल हो गए? 10 साल तो अब इनकी सरकार को हो गए, पहले भी 10 साल रही है इनकी सरकार बैंदा जी के टाइम में, जब बैंदा जी पार्लियामेंट मेंबर थे। तो भुटानी साहब ये तो सिर्फ जुबलेबाजी है, अमित शाह ने कही नहीं थी कि 15-15 लाख रुपए नहीं आई होंगे तो हमारी जुबलेबाजी है? आज तक किसी के खाते में आए 15 लाख रुपए? एक आदमी तो लाओ ढूंढ के कहीं से। तो ये थे हमारे बीच में बसपा प्रत्याशी किशन ठाकुर, साथ में मनोज चौधरी प्रदेश महासचिव बसपा और नंदराम जिला अध्यक्ष पलवल। किशन ठाकुर ने दावा किया है कि सीट झोली में डलेगी BSP के, बटन दबेगा हाथी के निशान पर। दावा ये भी किया है कि चारों खाने चित हो जाएंगे ये जब दूसरे प्रत्याशी है, क्योंकि वो साधन संपन्न है जबकि बसपा साधनहीन है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता का साथ उनके साथ रहेगा। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।